हम बात करने वाले हैं पेम्ब्रोक वेल्स कॉर्गी के बारे में, जिसको जनरली कॉर्गी के नाम से भी जाना जाता है। हम जानेंगे इसके हिस्ट्री, फिजिकल अपीयरेंस, ग्रूमिंग नीड, हेल्थ केयर नीड्स, इसी के साथ साथ हम इसके बिहेवियर और ट्रेनिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो जल्दी से ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। इसको सबसे पहले 1920 में इंग्लैंड के केनल क्लब ने रिकॉग्नाइज किया था और इनका ओरिजिन पेम्ब्रोक शायर में हुआ था, जिधर से ही इनकी वजह से ही इनका नाम पेम्ब्रोक वेल्स कॉर्गी पड़ा है। आई एम सॉरी अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हुई हो तो इसके नाम में। कॉर्गी हर्डिंग डॉग ग्रुप को बिलोंग करते हैं क्योंकि इनको पहले कैटल हर्डिंग के लिए यूज किया जाता था। पहले दोनों पेम्ब्रोक और कार्डिगन कॉर्गीज को एक ही ब्रीड माना जाता था, लेकिन फिर 1934 के अंदर अमेरिकन किनिंग क्लब ने इन दोनों को अलग ब्रीड घोषित किया और इनको ऑफिशियली नाम दिया गया कार्डिगन वेसल कॉर्गी और पेम्ब्रोक वेसल कॉर्गी। इसी के साथ क्वीन एलिजाबेथ II की वजह से भी कॉर्गीज को बहुत ज्यादा जाना जाता है क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा पसंद थे कॉर्गी। इनफैक्ट उनके पास 30 से भी ज्यादा कॉर्गी होते थे। ये भी एक वजह है कॉर्गीज के बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने की और बहुत ही ज्यादा कंपेनियन डॉग की तरफ एडॉप्ट होने की। बात कर लेते हैं इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। कॉर्गीज का हेड जो होता है वो काफी ज्यादा फॉक्स लाइक होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। स्कल जो होता है इनका फ्लैट होता है। इनकी आईज जो होती है वो मीडियम साइज की होती है, राउंड होती है, और इनके कोट कलर पे इनका आई का कलर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा कलर डार्क होगा कोट का तो आईज का कलर भी ज्यादा डार्क होगा, अगर लाइट होगा तो जनरली लाइट ब्राउन वगैरह होगा। इनके ईयर्स ऊपर की तरफ होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होते, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होते, लेकिन हाँ इनके बॉडी के हिसाब से थोड़े से बड़े ईयर्स लगते हैं और उनके ईयर्स की जो टिप होती है वो हमेशा राउंड होती है। इनकी बॉडी काफी ज्यादा लॉन्ग सी लगती है, साइज में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन लंबे थोड़े ज्यादा होते हैं ये, और बहुत ही छोटे छोटे इनके पैर होते हैं स्पेशली आगे वाले, और हमेशा इनके जो फीट होते हैं वो हमेशा आगे की तरफ होते हैं और राउंड फीट होते हैं। की टेल जो होती है वो नेचुरली थोड़ी लॉन्ग होती है, ऊपर की तरफ होती है, लेकिन किसी किसी की डॉग्ड होती है। वो आजकल के टाइम में जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी किसी डॉग की नेचुरली भी डॉग्ड होती है टेल। जनरली इनकी टेल ऊपर की तरफ होती है और लॉन्ग होती है। इनका कोट जो होता है वो मीडियम लॉन्ग होता है, काफी ज्यादा थिक होता है और एक वेदर प्रूफ कोट होता है। वेदर प्रूफ का मतलब ऐसा होता है कि वो वाटर प्रूफ भी होता है, उसमें कोट में बहुत जल्दी स्नो वगैरह भी नहीं लगती जिस वजह से इन्हें ठंड भी नहीं लगती, और सन रेज वगैरह भी अंदर नहीं जाती जिसकी वजह से इन्हें स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होता। इसी के साथ इनके कोट कलर के बारे में बात करें और मार्किंग के बारे में बात करें तो इनका कोट जो होता है वो रेड, सेबर, फॉन, टेन कलर में आता है, और कई बार जो टेन कलर होता है उसमें विद और विदाउट मार्किंग दोनों तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। जनरली इनकी व्हाइट मार्किंग होती है, जिसका मतलब इनके ऊपर व्हाइट कलर होता है, लेग्स पे, चेस्ट पे, मजल पे और फोरहेड पे व्हाइट कलर का मार्किंग यानी कि व्हाइट कोट होता है इनके। पेम्ब्रोक कॉर्गी जो होते हैं वो कभी भी ब्लू मर्ल कोट में नहीं पाए जाते हैं, ना ही ब्रिंडल कोट में पाए जाते हैं। इनके वेट के बारे में बात कर लेते हैं तो एक मेल कॉर्गी का वेट जनरली 10 kg से 14 kg तक होता है, वहीं पे एक फीमेल कॉर्गी का वेट जनरली 10 से लेकर 13 kg तक होता है। इनकी हाइट 25 cm से लेकर 30 cm तक होती है। कॉर्गीज के ग्रूमिंग नीड के बारे में बात करें तो कॉर्गीज का कोट मीडियम शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये बहुत ही कम शेड होते हैं, पर एक्चुअली रियलिटी इसकी बिल्कुल अपोजिट है। कॉर्गी का कोट बहुत ही ज्यादा शेड होता है, इसकी वजह से आपको इनकी बहुत ही ज्यादा ग्रूमिंग करने की जरूरत पड़ती है। इनके हमेशा ब्रशिंग करनी पड़ती है, यानी कि हफ्ते में 5-6 बार इनकी ब्रशिंग करना जरूरी होता है क्योंकि इनके हेयर फॉल होता रहता है, जिसकी वजह से डेड हेयर अगर आप नहीं क्लीन करेंगे तो वो हर जगह दिखाई देंगे। क्योंकि कॉर्गी जो होते हैं वो काफी एक्टिव डॉग ब्रीड है, तो ऐसे ज्यादा चांस है कि ये बाहर मिट्टी वगैरह में खेल के आ जाए, जिसकी वजह से आपको इनको बार बार नहलाना पड़े, बार बार आईज, ईयर्स, पॉज वगैरह क्लीन करने पड़ जाएं, तो जो ग्रूमिंग के डिपार्टमेंट में ये थोड़े से हाई मेंटेनेंस है। इसी के साथ क्योंकि कॉर्गी एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है इसलिए इनको जल्दी से डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए इनके ग्रूमिंग के अंदर अंदर आपको डेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इसकी ब्रशिंग वगैरह टाइम पे करते रहे, टीथ की अगर आप ब्रशिंग नहीं कर सकते तो च्यूइंग स्टिक्स आती हैं, स्प्रेज आते हैं, जेल्स आती हैं अलग अलग टाइप की, टीथ क्लीनिंग के लिए वो जरूर यूज करें।
अब बात कर लेते हैं इनके बिहेवियर और ट्रेनिंग के बारे में। तो कॉर्गीज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लविंग होते हैं, काफ़ी प्लेफुल होते हैं, बच्चों को, दूसरे पेट्स को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि इसके साथ ही ये हर्डिंग डॉग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कैटलिंग करने का इनका पास्ट में हेरिडिटी रह चुकी है, इसलिए कभी कभी ये अपने साथ जो बच्चे होते हैं या फिर छोटे पेट होते हैं उनको भी हर्डिंग करने लगते हैं, यानी कि थोड़ा सा उन्हें बुली करने लग जाते हैं अगर इनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं कराई जाए तो। यहीं पे अगर इनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन कराई जाए तो ये बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, सारे पेट्स के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं, और इनफैक्ट ये बहुत अच्छे गार्ड डॉग और वॉच डॉग भी होते हैं, ये काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं। लेकिन इसी के साथ ऐसे चांसेस हैं कि ये थोड़ा सा ओवर बार्क करें और चीज़ों को चेज अराउंड करने लग जाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें इनको करना पसंद है। लेकिन इसी के साथ ये चीज़ें बहुत ही जल्दी लर्न कर लेते हैं, तो ट्रेनिंग में ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इनको ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, काफ़ी स्मार्ट होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी ओबीडिएंट डॉग होते हैं, तो ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इनकी सोशलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो कॉर्गीज जो होते हैं जनरली हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां हैं जो कुछ कॉर्गीज में देखी जाती हैं, मोस्टली इनके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इनकी स्पाइन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है और इनके जो लेग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनके स्पाइन पे और जॉइंट्स पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से इन्हें हिप डिप्लेशिया, एल्बो डिप्लेशिया, स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम, डीजनरेटिव मायोपैथी जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। जनरली ये बीमारियां जनरेटिव होती हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से डेवलप होती हैं। इन बीमारियों को कंसीडर किया जाता है कि ये अनक्योरेबल होती हैं, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा नई नई रिसर्च हो रही हैं और उसमें पाया गया है कि कई सारी ऐसे थेरेपीज हैं और मेडिसिन हैं जिनकी वजह से इन बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और इनके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ पाया गया है, जैसे फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, डाइटरी चार्ट प्लान और इसी के साथ होम्योपैथी रेमेडीज़ भी, जिनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है इन डिसीज़ के अंदर। और इनफैक्ट वैसे भी पाया गया है कि इस डिसीज़ के जो प्रोसेस है उसको काफ़ी स्लो कर देती हैं, ओवरऑल लाइफ क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट भी लाती हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो आप अपने वेट से बात करें या किसी भी डॉग एक्सपर्ट से बात करें, परेशान होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कॉर्गीज़ में आई डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर भी देखा गया है, लेकिन ये रेयरली होता है और ये सब काफ़ी प्रिवेंटेबल होता है अगर आप रेगुलर वेट चेक कराते रहें, टाइम से वैक्सीनेशन कराते रहें, डिवॉर्मिंग कराते रहें और हमेशा अपने वेट के पास से ही डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन कराएं। तो ओवरऑल बात करें तो कॉर्गीज काफ़ी अच्छे वॉच डॉग होते हैं, काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं, थोड़े से ग्रूमिंग में डिफिकल्ट होते हैं, हाई मेंटेनेंस कहूंगी मैं, इजिली ट्रेंडेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं बच्चों के साथ अगर आप सोशलाइजेशन वगैरह टाइम पे कराएं तो, काफ़ी अपार्टमेंट फ्रेंडली हैं, काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली हैं, अगर आपको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इनको अकेले छोड़ के जाना चाहते हैं तो कभी कभी इनमें सेपरेशन एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके लिए आप इनको पजल टॉय वगैरह भी ला के दे सकते हैं जिसमें ही थोड़ा बिजी रहेंगे, क्योंकि कॉर्गी जैसे डॉग जो होते हैं अगर अपना माइंड यूज नहीं करते तो और जल्दी परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा परेशान एंग्जाइटी वगैरह भी डेवलप हो जाती है, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाइस कॉर्गी सबके साथ ही बहुत अच्छे से रहते हैं, बस ध्यान रखें कि थोड़ा सा एक्टिव रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई चीज पूछनी हो या समझना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।